बढ़िया, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हर गांव में 20, 10, 15 इस करके आंकड़ा रहा है। दम में दसा इलाज तो मैं करवा के लाया हूँ, आयुष्मान कार्ड ते सार हॉस्पिटल में एक बढ़िया काम 5 लाख तक का। 30 बालक ला रहे, मेरा एक छोटा काम है धारण, 30 बालक रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमारे गांव में 5 बंदे ऐसे लगे हैं जिनका कोई आस्था नहीं था कुछ भी। ये गठबंधन नहीं, ये भय है इनमें। अच्छा। भय है इनमें, गठबंधन नहीं है, क्योंकि मोदी का परिवार है ये सब, ये जो परिवार है ना मोदी का परिवार है। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, इस तरह का माहौल पूरे देश में 400 पार भाई साहब पक्का 100%। हाँ, खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शक सज्जन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। आपका अपने पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जब सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे, और लगातार हरियाणा की हर छोटी बड़ी अपडेट हर एक न्यूज़ आपते दिखाया कर रहा हूं। आज एक बार फिर मौजूद हाँ, लोकेशन की बात करूं तो तुसाम रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हूं जी, और मेरे पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग गाँव के जो है कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अब के मुख्य विषय है क्यों या जो मीटिंग है, हमारे जो भिवानी मंदरगढ़ के MP हैं, सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी, वह भी मौजूद हैं लेकिन शायद दिखाई नहीं दिए होंगे, वह अलग बिजी हो रहे हैं। पूर्व विधायक सचिन रंजन परमार जी भी हमारे साथ हैं। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार साहब, स्वस्थ हो? हाँ सचिन जी, बहुत बढ़िया है, अच्छा है सर। तो फिर MP साहब और हमने ये मीटिंग ली है और लोगों में बड़ा उत्साह है और उसी के लिए दायित्व लगाया है ये। अब बार बार बड़े सांसद साहब तो बुझ दिया, आप तो फिर बुझ लो 400 पार की को तो है, कितना उत्साह है जनता बीच में, कार्यकर्ता बीच में? नहीं, बहुत जबरदस्त उत्साह है। अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, बहुत बड़ा विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर है और उसी के लिए, इसमें कोई दो राय लगती नहीं। जो हमारे सांसद साहब ने भी कहा बात वही है, लोगों को इस देश को 2047 तक विकसित करना है, बहुत ज़्यादा काम जो सैकड़ों साल में नहीं हुए वो सारे काम इस सरकार में केंद्र में भी हुए हैं और हरियाणा में। आप डिग्री कार्ड उठाएंगे, केंद्र का भी, मोदी जी का भी, हरियाणा मनोहर लाल जी का जबरदस्त भूतपूर्व काम हुए हैं, उसी के आधार पे ये है कि मोदी जी भी केंद्र में तिबारा से बनेंगे, 400 पार पहुँचेंगे, हरियाणा में भी सरकार फिर से बनेगी। तो इसीलिए ये आज की मीटिंग का विशेष एजेंडा सिर्फ लोकसभा के चुनाव की दृष्टिगत ही, हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये मीटिंग ली है, दायित्व लगाए। तो एक और भागदौड़ी की सांसद साहब ने तो मना कर दिया, वो सवाल रह गया था, लेकिन जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं पिछली बार आपके जो विपक्ष में किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी जो हमारे विधायक हैं, तो फिर वह नुके हैं नुबेरा पटिया भाई, BJP मान खातर तैयार हो रही है? देखो BJP आज वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी पार्टी है और इतना बड़ा नेतृत्व है, नेटवर्क है, तो जो देश को हर आदमी विशेषकर इस देश को जो विकसित करना चाहता है, अच्छा आदमी BJP से जुड़ना चाहता है, तो वह हर अच्छे आदमी की सोच है BJP में आने की, और उसी कड़ी में सारे आदमी आते हैं, तो उसमें कोई सी बुराई वाली बात भी नहीं है। अच्छा। पार्टी की मजबूती के लिए और आगे कोई आता है तो सभी का स्वागत है। तो मतलब इस बार तिबारा ऊपर नीचे सारा जो है भगवान लहराओगा बात यह? हाँ, लहराओगा, तिबारा से मोदी भी बनेंगे और यहाँ हरियाणा में भी सरकार बनेगी और उसमें कोई दो राय लगती नहीं है। बहुत बड़ा उत्साह लोगों में है, जो काम जो मोदी जी ने किए हैं, हरियाणा में मनोहर लाल जी ने किए हैं, उसकी झलक दिखाई देती है, कोई रोड़ा नहीं लगता। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, इस तरह का माहौल पूरे देश में है। विधायक जी तो कहें भाई साहब की 400 पार और पूरा नारा लगाने वाला, कितने संतुष्टि कार्यकर्ता बीच में? जनता में पूरी संतुष्टि, पूरी संतुष्टि है पूरी। तो ऐसी कमियां मतलब कि जनता के लागे है, मतलब कि 400 तो प्लस 400 बागड़ा रटागा ऊपर विजास का बात है, ऊपर विजास का, ऊपर विजास का है, ऊपर विजास का है। अच्छा, और क्या 400 प्लस अंक जी? क्यों नहीं, बिल्कुल 400 पार, ये तो 600 भी बता सकते हैं, 400 पार। हाँ, हाँ, 400 पार भाई साहब पक्का 100%। हाँ, क्योंकि मोदी का परिवार है ये सब, ये जो परिवार है ना मोदी का परिवार है, और परिवार में तो एक आदमी मुखिया है, वो हमारे परिवार का 140 करोड़ जनता का परिवार का मुखिया है हमारा मोदी जी।
तो 400 पार तो पक्का है पक्का। फिर अपने हरियाणा में भी तो जो है ना विपक्ष में गठबंधन हो रहा है, इन्हें लो है आम आदमी पार्टी है कांग्रेस इकट्ठी हो रही है। ये गठबंधन नहीं, ये भय है इनमें। अच्छा। भय है इनमें, गठबंधन नहीं है, भय में इकट्ठे हुए हैं। एक बता दो शेर का आगे चाहे सारे गिद्दड़ जंगल के सारे इकट्ठे हो जाए, शेर न मार सके? शेर है यार। अच्छा। उसको कोई नहीं मार सकता। अच्छा। पक्का। देखो इसमें जो सबसे बड़ी बात, नौ पर्ची नौ खर्ची है, तो ये बहुत बड़ा काम किया है। इतनी नौकरियां लग रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। गरीब आदमी, आम आदमी का बच्चा भी उसमें नौकरी लगन लग रहा है। पहले ऐसा सिस्टम किसी भी सरकार में नहीं था। अभी 10,000 की लिस्ट आई है 10 दिन पहले, और कितने तो शाम हल्के की मैं जहां तक बात करूं कम से कम 1,000 के करीब बच्चे लगे हैं। तो बताया 30-40 हजार की और लिस्ट आने वाली है सी और डी की, उसमें भी तो शाम के बहुत गणे लगेंगे। नौ पर्ची खर्ची में लगेंगे, जिनका बेचारा हम घर में कद एक भी नहीं लग गया वो लगेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री जी ने ये जो मोदी जी केंद्र में करते हैं इतने काम किए हैं, उसके आधार पे हरियाणा की भी 10 की 10 सीट बीजेपी की निकलेंगी, केंद्र में भी निकलेंगी 10 की 10 सीट हरियाणा की जो हैं। तो जो नौ खर्ची नौ पर्ची के विधायक जी कहे हैं, तो फिर आप आस पड़ोस में कितना अनुमान होगी या धरातल को? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे गांव में 5 बंदे ऐसे लगे हैं जिनका कोई आश्रय नहीं था कुछ भी, बिल्कुल गरीब थे। अच्छा। और बिना खर्ची बिना पर्ची उनका आसरा ही ई बना है। और कांग्रेस हो तो पैसे वाले लगा वो भी एक आधा लागर भाई कांग्रेस होंगी तो 30 बालक लग रही। मेरा एक छोटा काम है धारण 30 बालक रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, बीजेपी सरकार के अंदर बिना खर्चे गरीब बालक जमा। नहीं तो ना मतबल ही नहीं था कोई लागण का। बालकाल पढ़ना छोड़े, मेरे छोरे ने खुद ने पढ़ना छोड़ दिया। बोले क्या करेंगे, लागत आए तो किला बेच दिए, तू लाइक जगह लगा दे मैंने किला बेच। इतना बढ़िया सरकार आई है बीजेपी, देख रहे हैं क्या इसकी तारीफ करो। मोदी तेरी बहुत गणी है। मेरे गांव में तो तहसीलदार भी लग गया है एक छोरा, चनाना गांव है। अच्छा। हाँ, और इतना बढ़िया तहसीलदार की पोस्ट तो 1 करोड़ रुपया दिया है को लग है। और लेकिन इस बीजेपी सरकार में महाराज चनाना में सुनील गोस्वामी तहसीलदार लग गया है, जो इस सरकार में इतनी बड़ी पोस्ट है। और 12 और इतने लग गए हैं गरीब घर के, बहुत बढ़िया ताजा ताजा खूब लगन ला रहे हैं। और बढ़िया हरेक गांव में यह है भाई, यह सरकार आवे और यो बढ़िया काम बने। आयुष्मान कार्ड है ये तो किरण चौधरी ने बोली ये लागू कोनी होंगे? लागू क्यों खूब मन्ने करवाया है, दसा तो इलाज ऑपरेशन है आयुष्मान कार्ड ते। मैं गम में दसा इलाज तो मैं करवा के लाए हूँ आयुष्मान कार्ड ते इशार हॉस्पिटल में। एक बढ़िया काम 5 लाख तक का। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने निहाल कर दिया को 10 मिनट में ऑनलाइन करया आयुष्मान कार्ड चालू वाला जी आपका इलाज चालू। मेरे लड़के की घरवाली का भी आयुष्मान कार्ड ते इलाज करवा के आया, मैं पथरी का ऑपरेशन करवाया था आस्था हॉस्पिटल में, फ्री होया एकदम। आपने क्या बनवाई थी? हाँ जी बिल्कुल। कित बनवाई आपने? विवाणी बनवाई थी। अच्छा। तो फिर क्या खर्चा है आपका? किन्ने को नहीं मेरे खर्चा, मैं तो मोटरसाइकिल पर गाता रहा फड़फड़ में आ गया। अच्छा। और बस घर तो तेल बड़े हवा दिया किन्ने तेल भी क्या लागत आ जानी था 25 किलोमीटर तक पका चले जाओ। बिटो दिन भी लागे है। देखो जी हमारे गाँव में 5 बच्चे लगे हैं और 9 खर्ची 9 पर्ची। बढ़िया सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हर गांव में 20, 10, 15 इस करके आंकड़ा रहा है। और सब जितने भी हैं खुश हैं इस सरकार से, और मतलब बीजेपी से न्यारा वोट कहीं नहीं जाएगा। तो भाई यह बात थी यार, एक बार सचिन भाई वो सांसद साहब और जो थोड़ा हाजिर हुए थे, सांसद साहब जो हमारे हैं एमपी भिवानी मंदिर गढ़ सीट थे चौधरी धर्मवीर सिंह वास्तव शाम में मौजूद थे, और उन कार्यकर्ता ये मीटिंग ली है। सारी बात आपका शामिल तरी है, वीडियो ने शेयर करती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करती हूँ। सारे दर्शकों चाचे तैयार भान भाई माओ ने राम राम जी। और जो चौधरी धर्मवीर सिंह हैं 2 बार के सांसद भिवानी मंदिर गढ़ते हैं, अब 3री बार फिर एमपी के इलेक्शन है। इस बार कह रहेगा वो आगे की बात है, भविष्य की बात है, तो वह भी पूछ जाएंगे। और जो सवाल आप लेके आए वह भी इनका कर देंगे। अब के जवाब मिले हैं वो भविष्य की बात है। तब तक के लिए बने रहो और वीडियो शेयर कर दो सारे दर्शकों।